बेटमा में मंगलवार को तहसीलदार बजरंग बहादुर ने नगर की 5 दुकानों को सील कर दिया। तहसीलदार बजरंग बहादुर ने बताया कि डाइवर्सन टैक्स में जिन लोगों ने लंबे समय से टैक्स जमा नहीं किए हैं, उनकी संपत्ति कुर्की सील की जा रही है, जिसमें अभी तक 5 से अधिक दुकानों को सील किया जा चुका है। वहीं उन्होंने आगे बताया कि बेटमा नगर में 9 लाख से भी अधिक के टैक्स बाकी हैं। इस कार्यवाही में तहसीलदार के साथ नायब तहसीलदार नीरज प्रजापत के साथ पटवारी और राजस्व विभाग का अमला मौजूद था। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। राजस्व विभाग को जो डाइवर्सन का टैक्स जमा होना है, वो बहुत से बकायेदारों के द्वारा जमा नहीं किया गया है। इसी के फलस्वरूप आज राजस्व विभाग की टीम के द्वारा वसूली कुर्की की कार्रवाई की जा रही है, और इस सिलसिले में आज यहाँ लगभग 5 दुकानों को अब तक सील किया जा चुका है। और नगर में कितने स्थानों को सील किया जाए? देखिए, बकायेदार तो बहुत हैं, लेकिन जो जिनके बकाए जो बकाया राशि ज़्यादा है, उनको हम प्राथमिकता से कार्रवाई कर रहे हैं, और ये लगातार ये अभियान चलेगा। अधिकतम कितनी राशि है अभी तक की जो बकाया है? देखिए, किसी किसी पर तो 9 लाख 10 लाख 11 लाख तक की है, जो बड़े कॉलोनियां हैं। तो कार्रवाई सभी पर चल रही है, और लोग जमा करते जा रहे हैं, तो उस हिसाब से हम उनको रिलीफ भी देते जा रहे हैं। आपका नाम? बजरंग बहादुर सिंह, तहसीलदार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।